तो पहला गाना आपने फिर अपना कब रिकॉर्ड किया, अपना जो एल्बम आपका आया? हम एक जगह, कैसे हुआ? डाल्टेनगंज एक जगह है पलामू जिला, वहीं पे हमारा एक कार्यक्रम फिक्स हुआ था, जहां पे मुझे एक गाना गाने का मौका मिला था कि पवन सिंह जो लड़का आया है उसको ये गाना गवा दीजिए। बारह या दो बजे रात को मेरा कॉल आया कि हाँ बच्चे को बुलाइए जो लड़का आया है उसको भी गवा दीजिए गाना। तो जब मुझे मौका मिला एक गाना गाने का, मैं एक गाना गाया, तो जितनी माताएं बहनी बहने माता बहन जी हमारे बैठे रहे, सबका आदेश हुआ कि अब किसी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, जो लड़का गाने बैठा है यही जब तक कार्यक्रम चलेगा ये लड़का ही गाएगा। और जो साउंड सिस्टम जो वहाँ पे था उसने रिकॉर्ड किया। जब वो तीन चार पाँच साल के बाद हमारे घर आया तो कहानी बताने लगा। वो कोई आता था, ये थोड़ा लड़कवा का एक कैसेट दो, तो अपने दुकान पे ही वो कैसेट बना के 4,000 पीस बेचा। अपोजिट दुकान वाले ने उसको दिमाग दिया कि जब इतना डिमांड आ रहा है तो इसको रिलीज कर दो। वो बताया कि भैया हम दिल्ली गए और इसका मास्टर बनवा के ओढ़निया वाली के नाम से कैसेट रिलीज कर दिए। तो बच्चा का आवाज था उस टाइम, वो कैसेट हो गया सुपरहिट, छा गया वो कैसेट। जब कैसेट क्यों के अगर बाजे लगी तो फिर ऑफर की कमी होती नहीं है, सारी कंपनी का ऑफर, सारे कंपनी का ऑफर आया। लेकिन हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग को टी सीरीज में ही गाना है।